पाकिस्तान कभी नहीं जाएगा भाई, चांद खुद नीचे आ जाएगा पाकिस्तान के पास। आप इस साल बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि अपनी पंचायतें नहीं खत्म हो रही, अपना पेट भरेगा तो मैं सामने वाले का सोचूंगा ना। जब मेरा पेट नहीं भर पा रहा, मैं तुम्हें कैसे खाने को दूंगा भाई। जब यहाँ इतनी बढ़ रही है, आसमान से बातें कर रही है, तो चांद तलक पहुँच जाएगी ना। जब आसमान तक बातें कर रही है महंगाई, तो दूर तक नहीं है। चांद पे जाके करोगे क्या? तो ना, इसमें मुझे तो नहीं लगता कोई फायदे की बात है चांद पे जाना। जाएगा, देखो कब जाता है। ये जो यह बैठे हुए ना गंजे शहबाज शरीफ, इनसे कुछ बचेगा तो ये कुछ सोचेंगे ना जाने के। सर चांद पे पहुँचना सक्सेस थोड़ी है। मेरे लिए तो सक्सेस वो होगा जब इस ज़मीन पे अल्लाह सुब्हान व तआला का निज़ाम नाफिज़ हो। पाकिस्तान चांद पे यूँ नहीं पहुँच सका, यहाँ की जो मिसमैनेजमेंट की वजह से, इस वजह से जाना है। हमारे जो हुक्मरान है, इन्होंने इतनी बजा दी है, कोई कारोबार नहीं रहा है। अब चांद पे तो छोड़ो, यहाँ से जो है ना बोटा से जाने के लोगों के पास पैसे नहीं है। आप तो चांद की बात कर रहे हो, चांद तो बहुत दूर है भाई दुनिया से। आप कहाँ पर हो, आपका रेरे नहीं हो, आप जाके हो देखो लोगों के घरों पे गुर्बत नाच रही है, भूख नाच रही है। लेकिन लोगों को क्या है, घंटा इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी अयाशियाँ पूरी चल रही हैं। जब लास्ट टाइम पे कैबिनेट या पार्लियामेंट ख़त्म हुई है, आपने शायद उसके जो है शाही दावत नहीं देखी। वो आइटम थे जो आप और मैं और एक मिडिल क्लास तबका जो ना सिर्फ सोच सकता था कि यार ये आइटम कभी हम खाएंगे। आप जाएगा वैसे चांद पे लगता है। पाकिस्तान कभी नहीं जाएगा भाई, चांद खुद नीचे आ जाएगा पाकिस्तान के पास। आप इस साल बेफिक्र हो जाओ, पाकिस्तान कभी कहीं नहीं जाएगा, वो अपने चक्रों में फंसा रहेगा भाई, उसका कुछ नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अपनी पंचायतें नहीं खत्म हो रही, अपना पेट भरेगा तो मैं सामने वाले का सोचूंगा ना। जब मेरा पेट नहीं भर पा रहा, मैं तुम्हें कैसे खाने को दूंगा? तो जब तक ये अपना पेट भर नहीं लेंगे ना, किसी का कुछ नहीं होने देंगे, और इनका पेट कभी नहीं भरेगा। इंडिया चांद पे, पाकिस्तान जमीन, पाकिस्तान जमीन के भी नीचे चला जाएगा। अभी तो जमीन के ऊपर है ना, फिर जमीन के भी नीचे चला जाएगा। बिल्कुल जा सकता पाकिस्तान, कब जाएगा? जब मेहनत करे तो जा सकता। इंडिया चला गया, पाकिस्तान नहीं जा सकता? बिल्कुल जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जज्बा है, जरून है, कहाँ जाने का, सब जगह जा सकता, वो हर मुल्क में जा सकता। चांद पे और अल्लाह ही आंदा। पाकिस्तान नहीं जाएगा चांद पे, पाकिस्तान की महंगाई जाएगी चांद पे, पाकिस्तान नहीं जाएगा भाई। जब यहाँ इतनी बढ़ रही है, आसमान से बातें कर रही है, तो चांद तलक पहुँच जाएगी ना। जब आसमान तक बातें कर रही है महंगाई, तो चांद से भी पहुँच जाएगी महंगाई, पाकिस्तान नहीं पहुँचेगा नहीं भाई। हमारा पाकिस्तान सबसे अहम मसला तो यह है कि चांद पर जाना या मरीख पर जाना, वो तो बात की बात है, पहले आज़ादी तो हमें मिल जाए। हमें यहाँ, हमें या तो हमें डायरेक्ट यानी कि कोई अमेरिका जो आकर यहाँ पर गुलबा कर ले, हम गुलामी से डायरेक्ट गुलामी में चले जाए ना, हम लोग गुलामों के गुलाम बने हुए। चांद पर कब जाए? चांद पर तो भाई दूर कोसों तक, दूर तक नहीं है। जब तक हम लोग गुलामी के अंदर ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, चांद वान को तो भूल जाएगा। हाँ इंडिया तो जाएगा भाई, वो वहाँ ये चीज़ नहीं है ना, वहाँ जो है सही यानी के फैसले होते हैं, सही यानी के वो होता है। पाकिस्तान कभी नहीं जाता, दूर तक नहीं है इनका। चांद पे जाके करोगे क्या? या अमेरिका, इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, सबकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी है। बंदा चांद पे तो जब जाए ना, जब अपनी बुनियादी ज़रूरियात हो, या फिर वहाँ पे जाके इकॉनमी को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो ना, इसमें मुझे तो नहीं लगता कोई फायदे की बात है चांद पे जाना। तो आपको इस बात का डिप्रेशन क्यों कि इंडिया चाइना पे जा रहा है, चांद पे जा रहा है? चांद पे जाना कोई बड़ी कामयाबी नहीं। क्या कामयाबी आपको, आपको क्यों लग रहा है कि ये कामयाबी? सवाल कर रहा हूँ मैं, यही तो पूछ रहा हूँ कि आपका सवाल ही गलत है ना। चांद पे पहुँचना, अगर आपको क्यों लग रहा है कि चांद पे पहुँचना कामयाबी? एक मुसलमान की कामयाबी ही जन्नत है। तो जब हम इस बाकी पूरे पाकिस्तान पर इस्लाम का निज़ाम नाफिज करेंगे, वो हमारी कामयाबी होगी दुनिया की भी और आखिर की। पाकिस्तान डूब जाएगा, चांद नहीं जाएगा। चांद पे वजह ये सूट पे चल रहा है ना, पहले गोल आवाम जो है 3 गोल खाते अपने हुक्मरान ने, आवाम बढ़ी थी 30%, अब इन्होंने 1 अरब और ले लिए, फिर 1 अरब ये ले लेंगे, 1 अरब आने वाली हुकूमत ले लेगी, तो आवाम जो है 80% भरेगी, 90%, तो हम लोग सूट पे चलते रहेंगे। हाँ जा सकता है, हम ये नहीं बता। जाएगा, देखो कब जाता है, कब जाएगा ये नहीं बता ना।
जाएगा तो गेटो लगता जाएगा। ये जो यह बैठे हुए ना गंजे शिवाज शरीफ, इनसे कुछ बचेगा तो ये कुछ सोचेंगे ना जाने के। जब तक ये हुक्मरान बैठे हुए ये कहीं नहीं जा सकता, सिर्फ लंदन जा सकते हैं ये और आवाम को ही कर सकते हैं। वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके सामने है, देख लो कैसा जा रहा है। ये चांद भी है, चांद की तो बहुत दूर की बात है, ये नीचे ही कुछ संभाल ले तो बड़ी बात है। सर चांद पे पहुंचना सक्सेस थोड़ी है, ये तो आप सोच रहे हैं ना कि चांद पे पहुंचना सक्सेस है। मेरे लिए तो सक्सेस वो होगा जब इस ज़मीन पे अल्लाह सुब्हान व तआला का निज़ाम नाफिज हो, तो सक्सेस तो बेसिकली वो है। अगर आप इसको कंपेयर करें कि यार जो चांद पे पहुंच जाए वो सक्सेसफुल है, तो मैं तो इस चीज़ का कायल नहीं हूँ।